हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनका हाइट बहुत ही कम है, बहुत कम मीन्स 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर में कम है, 0.5 mm, या फिर चेस्ट उनका मिलीमीटर में कम है या सेंटीमीटर में कम है, तो क्या वो फिजिकल देने के लिए जाएं या फिर नहीं। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं उन कैंडिडेट को पहले बताना चाहता हूँ कि जिनका हाइट ज़्यादा है। तो भाई, जिनका हाइट बहुत ही ज़्यादा है वो वहाँ पर जाकर के बहुत ज़्यादा तेज़ आपको नहीं बनना है, सिर बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पर सिर ऊँचा करते हो या फिर तेज़ बनते हो तो सीधा आपको वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और जिन कैंडिडेट का हाइट थोड़ी सी कम है मिलीमीटर में सेंटीमीटर में, भाई वो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए, वहाँ पे जो आपका हाइट का मेजरमेंट होगा वो आपका हाइट का मेजरमेंट विथआउट शू होगा, मतलब बिना जूते का होगा, ठीक है। बिना आपको खाली पैर कर दिया जाएगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि भाई अब जब आपका हाइट का मेजरमेंट हो रहा होगा ना, तो आप तेज़ सांस लेना, ठीक है। तेज़ सांस लेना, तेज़ी से सांस लेने के बाद छाती को फुलाने का प्रयास करना और थोड़ा सा अपने आप को इंक्रीमेंट करने का प्रयास करना, हाइट को थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास करना, लेकिन सांस लेकर के। ऐसा नहीं कि उचड़िंग जैसा बहुत ज़्यादा तेज़ बन रहे हो या फिर घुटना जो अपना एंकल है यानी जो आपका पैर है उसके सहारे पर, अंगूठे के सहारे पर खड़ा हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पैर जो है वो जमीन, तलवा जो है वो ज़मीन पर ही होना चाहिए, लेकिन आपको तेज़ सांस लेना है और छाती को फुलाना है। इससे आपका हाइट में करीबन 0.5 mm तो आपका हाइट के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो सांस लेकर के आपको हाइट को बढ़ा लेना है। वहीं चेस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो चेस्ट में तो आप अभी से आप थोड़ा सा पुशअप्स लगा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट अधिक से अधिक ले सकते हो, तो आपका चेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, चेस्ट में अगर नहीं भी होता है ना 0.5 mm या फिर 1 सेंटीमीटर कम रहता है, तो वहाँ पर आपको वो माइंड नहीं करता है, वो आपको ले लेगा, ठीक है। वो आपको जो है वो चेस्ट के अंदर बाहर नहीं करेगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम रहे तो, क्योंकि चेस्ट देखने वाला चीज़ नहीं है, वो बाद में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हाइट कहीं ना कहीं देखने वाली चीज़ होती है, तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा बहुत भी रियायत नहीं देगा। लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो आप करेंगे तो आपका 100% फुलफिल होगा। हालांकि आप जो है थोड़ा सा आप अपना बाल को भी आप बढ़ा लें, लेकिन बाल बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि यार आप पूरा एकदम नीचे दाढ़ी वाढ़ी भी बढ़ा लें, थोड़ा सा बाल जो है वो बढ़िया से कटा लें। ऊपर वाला बाल बढ़ा रहेगा तो वो भी थोड़ा 1-1/2 सेंटीमीटर आपका, सेंटीमीटर नहीं तो मिलीमीटर में आपका हाइट जो है वो ज़रूर बढ़ा देगा, ठीक है। तो इतना आप काम कर सकते हैं। वहीं अगर प्रेग्नेंट वीमेन हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी कुछ बात है फ्रेंड्स। वो जो हैं उनके लिए आप देखिए, यहाँ पे 11 नंबर पैरा के अंदर स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी वीमेन प्रेग्नेंट है और वो 12 सप्ताह से उनका हो गया है गर्भावस्था, तो ऐसी स्थिति में उनको फिजिकल देने के लिए मनाही है, वो फिजिकल नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना होगा, जब तक कि उनका गर्भावस्था काल समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक उनका पीरियड पूरा पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उनको फिजिकल देने का अलॉटमेंट नहीं होगा। देखिए, आप स्पष्ट रूप से आपको बोला गया है कि 6 सप्ताह के बाद, मतलब गर्भावस्था पूरा होने के बाद 6 सप्ताह के बाद कोई भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, मतलब कोई भी डॉक्टर के द्वारा आपको ये प्रमाण पत्र लाना होगा कि आप जो है आप गर्भावस्था समाप्त हो चुका है और आप फिजिकली फिट हैं और फिजिकल देने के लिए तैयार है, तो उनका जो है पुनः फिजिकल जाँच किया जाएगा और उनके बाद आगे का प्रोसेस उनका किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो SSC GD से जुड़ी सभी अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।